नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। पंजाब में भी कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस की 1 फरवरी को चुनाव समिति की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू नदारत रहे थे। उन्होंने कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ अलग बैठक की थी। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर लिया है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस नवजोत सिंह सिद्धू को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि पंजाब में 11 फरवरी को लुधियाना के समराला में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली है। रैली के बाद पार्टी सिद्धू के खिलाफ एक्शन लेगी। वहीं इस मामले में पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता भी कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव के सामने एकजुट है। बता दें कि दरअसल चंडीगढ़ के पंजाब कांग्रेस भवन में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की मौजूदगी में अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने पूर्व प्रधान लाल सिंह शमशेर सिंह दुलो और मोहिंदर केपी के साथ मिलकर अलग से बैठक की थी। यही नहीं, सिद्धू ने इस बैठक की तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि पंजाब के राजनीतिक हालात पर पंजाब के पूर्व कांग्रेस अध्यक्षों ने बैठक की। इस बात से कांग्रेस में हलचल मच गई है। बैठक में शामिल ना होने पर कांग्रेस ने सिद्धू पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की तैयारी की है, जिसके लिए कांग्रेस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। वहीं हालांकि पंजाब कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने बातचीत के दौरान कहा कि चुनाव समिति की बैठक में और कई सारे नेता शामिल नहीं हुए थे, ऐसे में किसी एक पर उंगली उठाना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ना ही किसी को कोई नोटिस जारी किया गया है और ना ही इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ आपसी मतभेद हैं जिन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सारे मतभेद सुलझ जाएंगे।